दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Redmi Note 13 5G स्मार्टफोन को Redmi 12 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Redmi Note 13 5G के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ Redmi 12 5G के अंदर हमें 6.79 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को करती है। वैसे तो दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, लेकिन यार अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल वाली कंटेंट वॉचिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर Redmi Note 13 5G की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें AMOLED पैनल मिल रहा भी अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ में आते हैं जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है, यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, लेकिन यार जो MIUI है ना भाई भर भर के तो ब्लॉटर देखने को मिल ही जाएंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो Redmi Note 13 5G के अंदर हमें Dimensity 6080 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Redmi 12 5G के अंदर हमें Snapdragon 4 Gen 2 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है, भाई बढ़िया वाली गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो Redmi Note 13 5G के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ Redmi 12 5G के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Redmi Note 13 5G की, तो इस फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Redmi 12 5G का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों Redmi 12 5G का जो मेन कैमरा है ना भाई 50 मेगापिक्सल का, भाई डिसेंट फोटोज आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Redmi Note 13 5G की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन का जो मेन कैमरा है ना 108 मेगापिक्सल का एकदम बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया जो कि एकदम अच्छी वाली फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। भाई कैमरा सैंपल्स आप Redmi Note 13 5G के स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि इसने डिटेलिंग्स को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। और साथ ही दोस्तों हमें इस फोन के अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो Redmi Note 13 5G के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ Redmi 12 5G के फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों सेल्फी लवर के हिसाब से वैसे तो Redmi का फोन भाई डिसेंट फोटोज क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा डिटेलिंग चाहिए ना भाई, बढ़िया फोटोज क्लिक करनी है अगर आपको, तब आप यहां पर Redmi Note 13 5G की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि अगेन यार इसका जो फ्रंट कैमरा है ना 16 मेगापिक्सल का बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है जो कि एकदम अच्छी वाली फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं। और अगर हम बात करें फास्ट चार्जिंग की तो Redmi Note 13 5G यहां पर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरह Redmi 12 5G यहां पर 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। नो डाउट दोस्तों ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए ना, तब भी आप यहां पर Redmi Note 13 5G की तरफ ही जरूर से जाइए। नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन से यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है। स्पीकर्स की अगर हम बात करें तो Redmi Note 13 5G यहां पर स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरह Redmi 12 5G यहां पर सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि Redmi Note 13 5G स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट के अप्रोक्स प्राइसिंग है 18000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Redmi 12 5G स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 13000 रुपए। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई वो ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपका बजट है भाई 13000 रुपए तक का, भाई डेफिनेटली Redmi 12 5G की तरफ ही जरूर से जाइए, सही में यार ये वाला स्मार्टफोन काफी ज्यादा बढ़िया और काफी वैल्यू फॉर मनी डील है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपका बजट है भाई 18000 रुपए तक का और उसमें अगर आपको ओवरऑल सब कुछ बढ़िया चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली Redmi Note 13 5G की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।